नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यूथ बुक का साइंस, जो साइंस का सामान्य विज्ञान है, उसका हिट चैप्टर करेंगे। हिट चैप्टर का बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट में अपना कमेंट दीजिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन इसमें सही किया है। ये प्रैक्टिस नंबर आपका कितना है, 23 है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काला होता है। सौर कुकर के जो अंदर का जो रंग होता है कैसा होता है, तो काला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। जिस सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, तो काला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव में बदल जाती है। जो कोई वस्तु है वो क्या, कितने डिग्री टेम्परेचर पर पिघल कर द्रव में बन जाती है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। ठीक, वायुमंडलीय दबाव पर क्या होता है, पिघल कर द्रव में बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम गलनांक कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाती है, तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं, तो गलनांक कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जिस, तीन नंबर क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान है कि जिस तापमान पर तरल अपनी यानी कोई भी तरल पदार्थ है, तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जब बदल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हिमांक कहते हैं। जैसे ठोस में बन गया तो क्या हो गया, यानी कि जम गया, यानी तो पहले लिक्विड फॉर्म में था, उसके बाद आ गया ठोस सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जब द्रव से क्या हुआ, ठोस में आ गया। तो जब ठोस में आ गया द्रव से, तो क्या हो जाएगा, हिमांक के रूप में हो जाएगा, यानी कि जम गया। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह तापमान कौन सा हो जाएगा, तो हिमांक बिंदु होगा, उस पर क्या हो जाएगी, द्रव से ठोस में वो वस्तु क्या हो जाएगी, तो बदल गई है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आपका 257 क्वेश्चन 4 है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है। 257 डिग्री जब है, तो इस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है, तो गैसीय अवस्था में होती है। ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। 257 डिग्री पर जल की कैसी स्थिति होगी, तो गैसीय स्थिति में होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि पानी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो यहाँ पे जो होगा 212 डिग्री क्या होगा, फारेनहाइट होगा। फारेनहाइट में चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो 212 डिग्री फारेनहाइट होगा। ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वहीं पूछ देता है कि आपका सेल्सियस में बताने के लिए, तो सेल्सियस में कितना हो जाता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सेल्सियस में कितना आपका हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, केल्विन में पूछ देता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कितना, सेल्सियस पर हमें केल्विन में पूछ देता है कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाता है। फारेनहाइट में 212। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हिमीकरण फीजिंग पर पानी में पाइप फट जाते हैं। देखिए, हिमीकरण आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हिमीकरण जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं, तापमान पर पानी के जो पाइप होता है क्या होते हैं, तो डिटोइटो के कारण क्या होते हैं, फट जाते हैं, मतलब किसके कारण फट जाते हैं। क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिमीकरण फीजी तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसे डिटोरिटो के कारण होता है, यानी कि पानी के जो पाइप है फट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो जो पानी का पाइप जो होता है, पानी में जो पाइप होता है, क्या होता है, हिमीकरण, जहाँ मतलब बर्फीले क्षेत्र में क्या होता है, चाहे ठंडा के दिन में क्या होता है, एक्सपेंशन के कारण क्या होते हैं, पानी के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। हिमीकरण यानी क्या हो रहा है, जो लिक्विड है उसमें से ठोस में बन जा रहा है, जब ठोस में बन जा रहा है, तब पानी पाइप के अंदर जो पानी है ठोस बनेगा, तो उसका क्या होगा, आयतन जब बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा यानी कि एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के कारण क्या हो जाएगा, पानी के जो पाइप होते हैं फट जाते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में बताइए। तो पानी का जो आपका कितना वो क्वथनांक बिंदु बनाना है, जिस पर आपका खोलने लगे, तो खोलने लगे केल्विन में बताना है, तो केल्विन में बताना क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर देखिए, 373 केल्विन दिया हुआ। अगर वहीं सेल्सियस में पूछ जाता, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर पानी खोलने लगे, तो केल्विन फॉर्म में क्या होगा,
373 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद आपका पूछ देता है केल्विन में, पूछा फारेनहाइट में पूछ देता है, तो 212 फारेनहाइट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वह तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उस तापमान को क्या क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देते हैं। तो उबलना जब शुरू कर देगा तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वथनांक को ही खोलना कहते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर पर क्या होता है, पानी जो होता है खोलने लगता है। कोई भी लिक्विड पर द्रव पदार्थ है वो क्या होगा, उबलने लगेगा यानी खोलने लगेगा, तो उसको हम क्वथनांक कहते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, किस किस रूप में, यानी कि सेल्सियस रूप में आपको बताना है। यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु कहने का अर्थ हो गया आपका जो उबलेगा, उबलना यानी कि खोलने का गुण कितने डिग्री पर होता है सेल्सियस में। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है क्या होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री होता है। वहीं अगर फारेनहाइट में पूछ देता है कितना हो जाता है, 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। और सेल्सियस में दिया है, केल्विन में पूछ देता है कितना होता है, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जल का वाष्पीकरण होता है। जल का जो क्वेश्चन 10 नंबर है कि जल का वाष्पीकरण होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, इसका समस्त ताप पर क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो होता है समस्त तापमान पर क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। 100 डिग्री पर तो खोलेगा ही, लेकिन उससे नीचे भी क्या होना, थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा वाष्पीकरण होता ही रहता है। तो जल का वाष्पीकरण उसके समस्त तापमान पर होता है। ऑप्शन सी नंबर मेरा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। डॉट डॉट एक सतही परिघटना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सतही है, यानी कि सतह पर घटना घटती है। तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए क्या है, ऑप्शन सी वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना यानी सतह पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मिट्टी के बर्तन में रखा जल है गर्मी में डीटो डीटो के कारण क्या होता है, ठंडा होता है। कोई मिट्टी का बर्तन है उसमें जल रखा हुआ है, गर्मी के दिन में तो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो जल ठंडा हो जाता है किसके कारण। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मेरा सही होगा, वाष्पन के कारण क्या होता है, वो ठंडा होता है। ठीक, ऑप्शन डी नंबर क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो होता है गर्मी के दिन में वाष्पन के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। देखिएगा जो मिट्टी के बर्तन के क्या होता है, बाहर साइड में क्या होता है, बूंदा बूंदा पानी होता है, तो वाष्पन के कारण क्या होता है, वो पानी आकर जो वातावरण से जमा हो जाता है वहीं उसको ठंडक प्रदान करता है। तो मिट्टी के बर्तन में जो पानी ठंडा होता है किसके कारण, तो वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल क्या होता है, वाष्पन के कारण क्या हो जाता है, तो सही मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर क्या होता है, काम करता है यानी वाष्पीकरण कर लेगा और हमको ठंडक प्रदान करता है, यानी कि एसी जो होता है क्या करता है, वाष्पित कर लेता है हमारे रूम के अंदर के टेम्परेचर को और बाहर गर्म को फेंक देता है और हमको अंदर क्या करता है, ठंडक महसूस प्रदान करता है। तो रेफ्रिजरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन है कि 16 नंबर, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डॉट डॉट में किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डॉट डॉट में किया जाता है। ठीक, गर्मी जो अवशोषित करने के लिए वाष्पीकरण का सिद्धांत किस में प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है।
ठीक, गर्मी क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है और हमको ठंडक महसूस होने लगती है, यानी ठंडक प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है, गर्मी के मौसम में पंखा जब चलाते हैं तो हमको क्या होता है, राहत महसूस होता है, यानी कि हमको ठंडक मिलती है। तो क्योंकि क्यों मिलती है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिया है पंखे पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल सही है, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। पंखे से क्या होता है, हवा हमारे पसीना को तेजी से वाष्प बनकर उड़ा देता है और हमको ठंडक महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। जैसे हम गर्मी के दिन में पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और हमको ठंडा महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि अब किसी तरल के, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसकी गर्मी सबसे गति जो होती है सबसे धीमी होती है। तो क्या है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो गया, इसकी गति जो होती है धीमी होती है। तो ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैद्युत अपघटन जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है। कौन सा वैद्युत अपघटन जूल के ताप नियम पर क्या है, आधारित नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, वैद्युत प्लग और स्विच। वैद्युत प्लग और स्विच क्या है, जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है। ऑप्शन बी नंबर क्या होगा और सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वैद्युत प्लग और स्विच। उसके बाद विद्युत केतली, इलेक्ट्रॉनिक आयनक, विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या है, सब जो है जूल के नियम पर आधारित है। विद्युत प्लग और स्विच क्या है, इसके मतलब जूल के नियम पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी सीधे डॉट डॉट से संदर्भित नहीं होती है। गर्मी डॉट डॉट से सीधे संदर्भित नहीं होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो गर्मी जो होती है थर्मल ऊर्जा के मापन से सीधे संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी जो होती है थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य है, यानी स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह के समय पर आधारित नहीं हो। ऑप्शन सी में देखिए, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है, ऊष्मा का प्रवाह क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह के समय पर आधारित नहीं हो, यही मेरा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य यह है कि ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो, स्थिर हो यानी कॉन्स्टेंट हो, ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित यानी समय के अकॉर्डिंग नहीं चले। ऊष्मा प्रवाह का स्थिर प्रवाह का तात्पर्य यही है, यानी कि ऊष्मा प्रवाह का दर क्या हो, स्थिर होना चाहिए यानी फिक्स हो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति का सुनवा नियम यह बताता है कि मैंने क्या बताया, ऊष्मा गति का जो आपका सुनवा नियम होता है कितना क्या बताता है। तो ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में जब दो प्रणाली तीसरे प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के ऊष्मा संतुलन में होती है, यानी कोई दो प्रणाली है उस दोनों में क्या है, ऊष्मा संतुलन में है, तो तीसरा प्रणाली भी क्या होगा, ऊष्मा संतुलन में होगा। ऊष्मा गति का कितना सुनवा नियम यही बताता है। तो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दो प्रणाली है वो दोनों क्या है, ऊष्मा मतलब हीट मतलब उसका कॉन्स्टेंट यानी संतुलन में है, तो तीसरा प्रणाली भी क्या होगा, उसके संतुलन में ही होगा। ऊष्मा गति का सुनवा नियम यही कहता है। और ऊष्मा गति का कितना नियम होता है, सुनवा नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम, तीन नियम होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कि निम्न में से कौन सी सही है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 23 नंबर में, निम्न में से कौन सा सही बताना है हमको। जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री पर उष्मा दी जाती है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो क्या होता है, यानी आयतन का बात कर रहा है। आयतन का ग्राफ कैसा होता है, तो आयतन का ग्राफ तो कैसा होता है दोस्तों, तो ये हो गया एक्स और तो ऊपर से आ गया वाई। तो आयतन का ग्राफ तो ऐसे ना होता है, तो 4 डिग्री हम यहाँ पर लेते हैं, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री पर क्या होगा, पहले घटेगा फिर इधर से घटेगा तब फिर इधर बढ़ेगा,
ठीक, नीचे आ रहा है तो घटेगा और ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी में देखिए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी विशिष्ट आयतन 0 डिग्री पर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है। तो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो अधिकतम होती है, ऑप्शन डी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, तो अधिकतम होती है, ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसका तापमान लिया जाना है उसे बिना स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह है, तो वह कौन सा उपकरण है, तो विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर है, ऑप्शन ए नंबर क्या है सही आंसर है इसका। मतलब जिस तापमान पर लिया जाना है उसे बिना स्पर्श किए जिस उपकरण से या उसका तापमान मापा जाता है वो क्या है, विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर, यानी बिना स्पर्श किए ही उसको हम माप ले रहे हैं, तो क्या है, विकिरण है या अवरक्त पायरोमीटर है।